अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लैम्ब शोल्डर रोस्ट बना रही हूँ और इसी रेसिपी के साथ आप ब्रान रोस्ट भी बना सकते हैं। और बहुत ही बनाना आसान है, बहुत मज़े की बनती है और अब बड़ी ईद आने वाली है और अक्सर ही घरों में ब्रान रोस्ट बनती है या हम बाज़ार से करवाते हैं, लेकिन बाज़ार से इतनी वो मसाले अच्छे रचे नहीं होते और घर में हम बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी के साथ रान रोस्ट बना सकते हैं। और इसमें बनाना भी आसान है और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होती। तो मैंने लैम्ब का शोल्डर ले लिया है और इसका वेट तकरीबन 3 LB है और जो रान होगी उसका वेट तकरीबन 3 kg तक होगा। जाहिर है उसका जो वेट है ज़्यादा होगा, तो स्पाइसेस आप थोड़े से इसमें उसके हिसाब से ज़्यादा लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पीस पे छुरी की मदद से सारे उसके अंदर सुराख कर दूंगी, छोटे छोटे पोक करूंगी ताकि मसाला हर तरफ अच्छे से इसके अंदर रच जाए। सारी तरफ पोक करने के बाद अब मैं छुरी की मदद से अब ब्रान के ऊपर या जो शोल्डर जो भी है आपका, तो उसके ऊपर आप कट लगा दें। इस तरह से कट लगा लूँगी और ये कट डीप होंगे जो कि बोन तक जाएंगे ताकि मसाला अच्छे से जज्ब हो। सारी साइड्स पे फिर इसी तरह मैं कट लगा रही हूँ। अब मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है और अब हम नमक जो है दोनों तरफ अच्छे से रब कर लेंगे कट के अंदर भी, ताकि अच्छे से नमक जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए। और ये हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं। फर्स्ट मैरिनेशन में हम सिर्फ दो चीज़ें लगा रहे हैं, नमक और साथ सिरका। अब मैंने आधा कप सिरका ले लिया है, ये सिंपल वाइट विनेगर है, और इसको मैं इसके ऊपर लगा कर इसको भी हम हर तरफ रब करके तो इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं, आप देखिए कि गोश्त की रंगत थोड़ी बदल चुकी है और ये जो सिरका और नमक है जो, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम फेंक देंगे, इसे अब हम मज़ीद इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं। तो चूँकि पहले भी हमने नमक लगाया था, तो अब मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ले लिया है और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है जो कि पिसी हुई है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा लिया है और 2 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1 लीमू लेकर और उसका जूस निकाल लिया है, 2 टेबल स्पून सिरका है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 1 टीस्पून पिसी हुई सब्ज मिर्च है। और ये बहुत तेज़ है इसलिए मैंने 1 टीस्पून ली है, अगर आपके पास ज़्यादा तेज़ नहीं तो हम 1 टेबल स्पून हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास ताज़ा हल्दी है और हल्दी का ये मैंने आधा पीस लेकर इसको पीस लिया है, ताज़ा हल्दी का बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आ जाएगा। और मैंने आधा कप दही लिया है और इसको मैंने, ये गाढ़ा दही है इसके अंदर, इसको मैंने छलनी में डाल दिया था और इसका पानी निकल गया है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा अगर हम पतला दही इस्तेमाल करेंगे और मसाले भी डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा हमारा जो रोस्ट है। अब सब मैरिनेशन को पहले मैं एक बड़े बॉल में मिक्स कर रही हूँ, तो इसके अंदर हम दही डाल देंगे, साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च और हल्दी डाल देंगे, सिरका लीमू का जूस ये भी शामिल करेंगे और सब स्पाइसेस हम इसके अंदर में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छा सा एक मैरिनेशन तैयार है और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है और इसके साथ ही आप 2 टेबल स्पून
ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर दें। मैंने ऑयल बाद में शामिल किया था, पहले डालना भूल गई थी। तो 2 टेबलस्पून मैरिनेशन के अंदर ही आप ऑयल डालें। अब इस मैरिनेशन को अच्छे से सारी जगह पर इसके शोल्डर के आगे और पीछे और इसके कर्स के अंदर भी लगाएं, ताकि मसाला अच्छे से रच भी जाए और इसके अलावा अच्छे से ये गल भी जाए। तो अगर हम खाते हैं और तो ऊपर ऊपर से अगर तो इसका टेस्ट अगर तो सही हो और अंदर से बिल्कुल मसाला रचा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इस रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार इसके तैयार हुआ है और मसाला अंदर तक रचा है। तो ये ऑयल भी अब मैंने शामिल किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और इसको रख रही हूँ। आप पहले ही ऑयल शामिल कर लें। अच्छे से सारा मसाला लग गया है तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके मैं ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप कम से कम 6 घंटे इसको लिए रखते हैं, अगर आपने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने का टाइम नहीं है। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं, आपने जल्दी बनाना है 2 घंटे में, तो आप इसके साथ इस 1 टेबलस्पून पपीते का पाउडर या फिर आप इसमें मीट टेंडराइज़र इसी मसाले में ऐड कर दें और 2 घंटे के बाद आप इसको बना सकते हैं। अब ये हमारा मैरिनेशन किया हुआ, ओवरनाइट मैरिनेशन किया हुआ हमारा ये गोश्त तैयार है। और अब हम 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। या तो हम इसी ट्रे को इसी तरह ढक के पहले 1 घंटे के लिए अवन में रखेंगे और बाद में इसका कवर उतार के इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए इसको बेक कर लेंगे। मैं इसको स्टीम रोस्ट कर रही हूँ, तो मैंने इस शोल्डर के पीस को एक बटर पेपर में रैप कर लिया है। बटर पेपर में रैप करने के बाद इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल भी रैप कर दिया है। और आप इसको किसी बर्तन में, किसी ट्रे में या जो कि पूरा आ जाए उस हिसाब से आप ये बर्तन कोई ले लें तो उसमें रखते हैं, ताकि जो इसका इसमें से जो भी पानी निकलेगा वो देगचे के अंदर ना गिरे। इसके अंदर मैं छुरी की मदद से होल कर रही हूँ ताकि जो स्टीम है अच्छे से अंदर पहुँचे और अच्छे से गोश्त गल जाए। अब मैंने एक बड़े साइज़ का देगचा ले लिया है और उसके अंदर मैंने पानी बॉयल होने रखा है और इसके अंदर हमने एक स्टैंड भी रख लिया है। पानी इतना ही रखना है जो कि स्टैंड से नीचे नीचे हो। पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है तो अब इसके अंदर मैं अपना ये गोश्त वाला बर्तन रख दूँगी। इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे और इसको मीडियम से थोड़ा सा कम आँच के ऊपर इसको हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो ये कम से कम 1.5 घंटे में स्टीम होगा। जो मेरे पास ये पीस है, अगर आपके पास बड़ा पीस हो या फिर गोश्त जो है सख्त हो तो उसको आप 2 घंटे तकरीबन लग सकते हैं। तो अब 1.5 घंटा हो गया है तो अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि हमारा ये रोस्ट तैयार हुआ है कि नहीं। देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा ये रोस्ट तैयार हो गया है, गोश्त सॉफ्ट हो गया है। तो गोश्त देखें बोन से अलहदा हो गया है, इससे भी पता चल रहा है कि गोश्त तैयार हो गया है। सॉफ्ट हम चेक कर लेते हैं हर तरफ से, तो ये तैयार है और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा ये रोस्ट तैयार है, बस हम इसे थोड़ा सा कलर दे देंगे। तो मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिया है और इसको साई तरफ फैला लिया है। इसके अंदर हम अपना ये शोल्डर का पीस रख देंगे और 5 मिनट हम इसे एक साइड से कलर देंगे। आँच मैंने जो है वो मीडियम ही रखी है और 5 मिनट फिर हम इसे दूसरी साइड से भी कलर दे देंगे। अब हमारा ये रोस्ट तैयार है और अब इसके साथ हम सर्व करने के लिए जो इसका मसाला मैरिनेशन से बचा था वो, और इसके अलावा जो स्टॉक इसका निकला था जब हमने इसको स्टीम किया था, तो वो हम बनाएंगे। तो वो मैंने एक पैन में डाल दिया है और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे
और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, चूंकि पहले ही घी शामिल है, इसे घी शामिल ऑयल या घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसमें ऑयल निकल जाए तो ये तैयार है। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े का मसाला है, क्योंकि इसमें सारे इसके मैरिनेशन का और इसका स्टॉक शामिल है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ, बाकी हम इसके साथ सर्व करेंगे, और साथ सैलड के साथ हम सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है, देखें बहुत सॉफ्ट है। हमारा बहुत ही मज़े का शोल्डर रोस्ट तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी के साथ इसको ट्राई करें। तो क्योंकि कई दफ़ा हम ईद के ऊपर बाज़ार से रान रोस्ट करवाते हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं होता, क्योंकि वो मैरिनेशन उसको सही तौर पे करके नहीं रखते। तो बहुत सख्त सा जो है वो रोस्ट हमें मिलता है, ना तो इतना सॉफ्ट होता है और ना ही इतना मज़े का तैयार होता है। तो घर में हम बहुत आसानी के साथ और मज़े का और साफ़ सुथरे तरीके से हम अगर बना सकते हैं, तो हमें बाज़ार से रोस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।